नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। यूक्रेन के कीव में रूस ने किया मिसाइल से अटैक, दो लोगों की गई जान। पीएम नरेंद्र मोदी ने रक्षाबंधन से पहले महिलाओं को गैस सिलेंडर में 200 और 400 रुपए की दी सौगात, तो कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने राहुल गांधी के हाथों रक्षाबंधन पर महिलाओं को दिया 2000 रुपए महीने का सौगात। पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, स्कूली बच्चों संग मनाया रक्षाबंधन, बोले यह हमारी संस्कृति का पवित्र प्रतिबिंब है। कर्नाटक रवाना होने से पहले राहुल गांधी ने एक बार फिर से चीन के मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी को घेरा। राहुल ने कहा, चीन के द्वारा ताजा नक्शा जो जारी किया गया है, मैं उसको लेकर वर्षों से कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने जो कहा था लद्दाख की एक इंच जमीन नहीं गई है, वो झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेसी सांसद अधीर रंजन चौधरी को मिली राहत, लोकसभा समिति ने निलंबन किया रद्द। इंडिगो फ्लाइट के उड़ानों में लगातार खराबी देखी जा रही है, जहां कल यानी मंगलवार को दो अलग अलग उड़ानों में खराबी की शिकायत आई, जिसके बाद दोनों उड़ानों को सुरक्षित लैंड कराया गया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज 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 लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। विपक्षी गठबंधन इंडिया की 31 और 1 सितंबर को मुंबई में बैठक होने जा रही है। इस बैठक से पहले विपक्षी गठबंधन की ओर से पीएम दावेदार के तौर पर तीन नाम सामने आए हैं, जहां अखिलेश यादव को पीएम उम्मीदवार बताया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को पीएम बनाने की बात कही है, जबकि शिवसेना नेता ने उद्धव ठाकरे को पीएम बनाने को कहा है। सांसदों के प्रोटोकॉल मामले में विशेषाधिकार समिति के सामने पेश होंगे इंडिगो के MD। हापुर में वकीलों पर लाठी चार्ज करने के मामले में यूपी बार एसोसिएशन ने पुलिस के खिलाफ जमकर मोर्चा खोला, जहां पर देश भर के सभी वकीलों ने हापुर घटना के विरोध में पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं कई जगहों पर पुलिस वालों को पीटने का भी मामला सामने आया। लालू यादव ने मुंबई में विपक्षी बैठक से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर कहा कि हमने उन्हें बुलाया है। वहीं मायावती बोली, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कलम छोड़ हड़ताल करने वाले कर्मचारियों को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वे काम पर नहीं लौटे तो उनकी सेवाएं खत्म की जा सकती है। नूह मामले के बाद दो मस्जिदों में आगजनी के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से 5 को आज जमानत मिल गई है। वहीं बजरंगी को भी छोड़ दिया गया है। उत्तराखंड में काफी दिनों बाद मौसम साफ दिखा, जिसके बाद गंगोत्री राजमार्ग पर भूस्खलन तो जारी है, लेकिन मरम्मत कार्य में तेजी आ रही है। झारखंड के भाजपा नेता दिनेश पटेल मामले में आया फैसला, अदालत ने 2 आरोपियों को सुनाया उम्र कैद। छत्तीसगढ़ नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग द्वारा हर साल करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद डेंगू से रायपुर में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटलों में रोजाना डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना की एक फैक्ट्री में 5 मजदूरों की हो गई मौत, सेप्टिक टैंक साफ करने उतरे थे नीचे। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर आज विभिन्न संगठनों की महिलाओं ने राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल की कलाई पर राखी बांधी और उन्हें शुभकामनाएं दी। वहीं ब्रह्म कुमारी शिमला शाखा से ब्रह्म कुमारियों ने रक्षाबंधन के पावन अवसर पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कलाई पर राखी बांधी। फिल्म जवान के रिलीज होने से पहले शाहरुख खान पहुंचे जम्मू स्थित माता वैष्णो देवी के दरबार में, जहां उन्होंने मंगलवार देर रात किए दर्शन और पूजा। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने तृणमूल छात्र परिषद के स्थापना दिवस पर आयोजित रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जब इंदिरा गांधी चंद्रमा पर पहुंची तो उन्होंने राकेश से पूछा कि वहां से हिंदुस्तान कैसा दिखता है। उन्होंने जवाब दिया, सारे जहां से अच्छा। अब सोशल मीडिया पर लोग उन्हें ट्रॉल कर रहे हैं। मुंबई में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक से पहले उद्धव ठाकरे बोले, विकास के साथ हम BJP से आजादी चाहते हैं। गुजरात के भारत पाक सीमा से सटे एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया, जिसके बैग में मिला सीमा क्षेत्र का नक्शा और कई औजार। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि जुडिशरी में भयंकर करप्शन हो गया है, वकील लिख कर लाते हैं फैसला।
अगर आपको रात को नींद नहीं आती है और चैन की नींद सोना चाहते हैं तो रात में रोजाना एक गिलास हल्दी वाला दूध का सेवन करें। इससे आपको बेहतर नींद के साथ कई बीमारियों से भी छुटकारा मिलेगी। यूके पीएससी ने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भर्ती परीक्षा नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ukpscnet.in पर 18 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी बहुत लोग बाकी हैं जिन्होंने लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज वे भी इस न्यूज को लाइक और कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।